तो इसको बच्चों कैसे देखो, इसमें ये आपको पता है कि ये ग्रुप वन है और ये ग्रुप टू है, ये ग्रुप वन है, ये ग्रुप टू है। ग्रुप वन को फर्स्ट ए और इसको हम लोग सेकेंड ए भी कहते हैं, ठीक। ये 17th ग्रुप है और ये 18th ग्रुप है। कुछ भी करके आपको ये दो ग्रुप्स याद करने ही पड़ेंगे, फर्स्ट ए सेकेंड ए, 17th ग्रुप 18th ग्रुप, यानी 0 ग्रुप और 7th ए ग्रुप, ये याद करने हैं। इसको नोबल गैस ग्रुप भी कहते हैं। क्या होता है, हीलियम, हीलियम के बाद नियॉन, नियॉन के बाद आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, फिर ज़ेनॉन, फिर रेडॉन, ठीक। फिर 17th ग्रुप को फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, ठीक, एस्टेटीन तक के याद कर लो इतने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इस पे बेस्ड ही क्वेश्चन आएंगे। अब इधर आ जाओ, इधर हाइड्रोजन के बाद कौन होता है, लिथियम, लिथियम के बाद कौन होता है, सोडियम, सोडियम के बाद कौन होता है, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कौन होता है, रुबिडियम, रुबिडियम के बाद कौन होता है, सीजियम, सीजियम के बाद कौन होता है, फ्रांशियम, ठीक। इधर आ जाओ, सेकेंड ए ग्रुप की अगर बच्चों हम लोग बात करें, सेकेंड ए में कौन होता है, यहाँ देखो, बेरिलियम, बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम के बाद बेरियम, ठीक, और फिर आखिरी में रेडियम, ठीक। अब ऐसे भी करके याद कर सकते हो, या अपने और क्या याद करना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और यहाँ 20 तक के एलिमेंट याद करने हैं, याद करना है कौन से पीरियड का है। तो अगर याद करोगे, फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट हाइड्रोजन हीलियम आते हैं, दूसरे में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन आते हैं, फिर सोडियम, मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम, कैल्शियम तक के याद करना है, ठीक। अब जैसे कि न्यूमोनिक्स भी बनाया जाता है, अब जैसे न्यूमोनिक्स क्या होता है कि जैसे ये है हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, अब जैसे देखो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम है, तो इसकी न्यूमोनिक या ट्रिक कैसे याद हो सकती है कि है लीना, ये क्या हो गया, लीना है, लीना की फरियाद, की रब से फरियाद, की रब से फरियाद, ऐसे याद कर लो, है लीना की रब से फरियाद, तो ये ऐसे आपका क्या हो जाएगा, ग्रुप नंबर वन याद हो जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे और बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बोरॉन और रेडियम, ठीक है। तो इसको कैसे याद करोगे, इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, बी, यानी कह सकते हैं बेटा, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, तो ऐसे याद कर लो, तो ये कहाँ हो जाएगा तुम्हारा, ग्रुप नंबर टू हो जाएगा तैयार, ठीक। उसके बाद आप जैसे 20 तक के एलिमेंट याद करने हैं, तो ऐसे हम लोग याद करते हैं, हाय, हेलो, लाइबे, बीसी, नो फनी, ये हो गया आपका क्या, ग्रुप वन, पीरियड वन, पीरियड टू। फिर ना मांग आलसी पैसे कल और, ना मांग आलसी पैसे कल और, जितना पोयम बना के याद करोगे सब याद हो जाएंगे, ऐसे ही अपने अकॉर्डिंग पोयम्स बना लो, न्यूमोनिक बना लो और पूरा प्रोडक्ट टेबल तुम्हें याद करना है, अभी तो काम चल जाएगा आपका ग्रुप वन, ग्रुप टू, ग्रुप थ्री और ग्रुप 17 और ग्रुप 18 से, और पीरियड वन, पीरियड टू पूरे याद करना है और यहाँ तक के, ठीक है, 20 तक के एलिमेंट्स का सबका एटॉमिक नंबर, मास नंबर सब याद होना चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। अब इतनी बात समझ में आ गई है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने जहाँ पर हम लोग ने छोड़ा था वहाँ पर आते हैं, ठीक। अब हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी से शुरुआत की थी, मैंने क्या बताया था, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जब किसी एटम के आउटर मोस्ट एटम को गैसेस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड होना चाहिए और उसकी आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, वही क्या कहलाती है, आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है। कहीं पर देखो केमिस्ट्री में जहाँ पर एनर्जी देना पड़ेगी तो वहाँ पर क्या होगी, एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव लिखी जाती है ना, पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है ना, तो ये जो होगी हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ होगी, है ना, एनर्जी जो होगी वो पॉजिटिव होगी और इसकी यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या किलो जूल पर मोल होती है, ये मैं यहाँ कल ही बता चुका हूँ, ठीक है। और क्या बताया था मैंने,
मैंने ये भी बताया था कि जितना इस ये जो किस पे डिपेंड करता है कि अगर एटम का साइज बड़ा है ना, तो उसको कम एनर्जी देने पर भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और एटम का साइज छोटा है तो एटम क्या होगा, ज़्यादा शेल्स को इलेक्ट्रॉन को बहुत टाइटली पैक्ड होंगे तो ज़्यादा एनर्जी देने पर अपना इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। तो इसीलिए हमको पता है कि एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो जो लेफ्ट में एटम्स होते हैं जैसे लिथियम हो गया और सोडियम हो गया, वो बहुत कम एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। इसीलिए यानी ग्रुप 1 लिथियम सोडियम का आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एटम का साइज छोटा होता जाएगा और इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता जाएगा, तो ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी लेफ्ट से राइट जाने पर। ऊपर से नीचे आओगे तो ऊपर से नीचे आने पर भी मैंने ये बात बताई थी कि भैया के एटम का साइज धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, क्योंकि शेल्स बढ़ती जाती है, घर बड़ा होता जाएगा तो क्या होगा कि साइज बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा। अब इसमें फ्लोर बढ़ गए हैं तो घर भी बड़ा हो जाएगा, तो यानी सीजियम तक के अगर जाएंगे ऊपर, लिथियम से लेके सीजियम तक के, तो फिर क्या होगा, एटम का साइज जो बड़ा होता जाएगा, एटम का साइज बड़ा होता जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियस की ज़्यादा पकड़ नहीं होगी, तो फिर थोड़ी सी एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाएगा। यानी ऊपर से नीचे आने पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी सीजियम की होती है और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम की होती है। मैंने बताया था हीलियम नोबल गैस है, नोबल गैस है वो वैसे ही इलेक्ट्रॉन को बहुत स्टेबल कॉन्फिगरेशन है, तो फिर उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए हीलियम की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, सबसे हाईएस्ट होती है। सीजियम की लोवेस्ट आईपी होती है, लोवेस्ट आईपी होती है ना, और हीलियम की हाईएस्ट आईपी होती है। ये सब मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, बिल्कुल, जब एनर्जी देना पड़ेगी तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी, जब एनर्जी मिलेगी तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एंडो जब जहाँ पर एनर्जी देना पड़ती है वो पॉजिटिव साइन के साथ लिखी जाती है, जहाँ पर एनर्जी हमें मिलती है वहाँ पर निगेटिव साइन के साथ लिखी जाती है उसकी वैल्यू को। ठीक है, ये सब बातें मैंने बताई थी आप लोगों को, ठीक है। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इधर से जाने पर बढ़ती है, ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है। चलिए अब बात करते हैं एक और नई टॉपिक, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, जब किसी एटम की आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को क्या करो, इंसर्ट करवाया जाए। इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करवाने पर है ना, एक इलेक्ट्रॉन को हम अगर इंसर्ट करवाएंगे तो इंसर्ट करवाने पर यहाँ पर से एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, है ना। तो किसी एक गैसियस आइसोलेटेड एटम में आउट के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को इंसर्ट करवाने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा क्या माना जाएगा कि वो हाईएस्ट, उतना ही वो क्या है, उसकी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। ठीक है, तो क्या बताया, हायर द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एटम। ये भी सब लिखो, बात समझ में आ रही है आकिब, फैजान, दिशान, नहीं आ रही है बच्चों, ठीक, जल्दी जल्दी देखते जाओ। मैंने क्या बताया कि एक इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करने पर जो एनर्जी रिलीज होगी किसी एटम में, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज़्यादा एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। और हम क्या जानते हैं बच्चों इसके बारे में, कि इसकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती है, क्योंकि एनर्जी हमें, सॉरी, निगेटिव होती है, क्या होती है, निगेटिव होती है, क्योंकि हमें यहाँ पर एनर्जी जो हो रही है वो क्या हो रही है, मिल रही है ना, एनर्जी जो होती है वो मिल रही है। जब एनर्जी मिल रही है तो इसे हम क्या कहेंगे, ये निगेटिव होती है। ठीक है, और क्या जानते हैं बच्चों हम लोग इसके बारे में, जल्दी से लिखो। ये कैसी प्रोसेस है, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो जब एनर्जी हमें मिल रही है तो ये कैसी प्रोसेस हुई, एंडोथर्मिक प्रोसेस हुई। ठीक है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, सॉरी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, सॉरी, जहां पर एनर्जी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, जहाँ पर हमें एनर्जी क्या होगी मिलेगी उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। इसकी यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, या किसे हम लोग कह सकते हैं किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल से भी हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। ये कुछ क्या होती है यूनिट्स के बारे में, आपको बात समझ में आई। चलिए अब आगे देखिए, यही से बताया मैंने कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज एडिंग इन आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम टू फॉर्म एन एनआयन। जब एन आयन बनाया जाए, निगेटिव आयन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने पर जितनी एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। हायर द ये क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ये ऐसा भी कह सकते हो ये आयनाइजेशन का रिवर्स होती है, आयनाइजेशन पोटेंशियल का रिवर्स होती है। अच्छा, ये किन किन बातों पर डिपेंड करती है, कितना एटम का साइज क्या है ना, जितना ज़्यादा एटम छोटा होगा उतना ही आसानी से क्या होगा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन आउटर मोस्ट शेल के ऊपर ज़्यादा होगा, तो फिर वो जल्दी से क्या करेगा एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे मान लो कि एक छोटा एटम है और एक बड़ा एटम है, अब बताओ कि ये न्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा है, जब ये रेडियस बहुत बड़ी है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की डिस्टेंस ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो बाहर से इलेक्ट्रॉन लाने पर क्या होगा, इतनी आसानी के साथ स्टेबिलिटी के साथ जुड़ेगा नहीं, लेकिन इसका साइज छोटा है तो यहाँ पर क्या होगा हाई एनर्जी रिलीज होगी, है ना, ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी और आसानी से क्या होगा न्यूक्लियर के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएगा और एटम स्टेबल हो जाएगा, तो यहाँ पर हाई एनर्जी रिलीज होगी और यहाँ पर क्या होगा लो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, लोअर एनर्जी रिलीज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और किस पर डिपेंड करता है कि जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज है उतना ही ज़्यादा एटम न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो कुछ बातें थी मैंने बताई, क्या क्या बताया कि ये किन किन बातों पर डिपेंड करता है, एक तो साइज़ पर डिपेंड करता है, जितना छोटा एटम होगा उतना ही जल्दी क्या करेगा इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट शेल में ऐड करवाने पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस के साथ वो जल्दी बाइंड अप हो जाएगा और दूर होगी भैया, अगर बड़ा एटम है तो फिर आउटर मोस्ट शेल दूर होगी, आउटर मोस्ट शेल दूर होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अच्छी ज़्यादा फोर्स के साथ बाइंड अप नहीं हो पाएगा, तो फिर ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी उसकी कम होगी, और अगर न्यूक्लियस में ज़्यादा प्रोटॉन है तब भी क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे तो आसानी से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो जुड़ जाएगा किसके साथ, एटम के साथ, है ना। और मैंने क्या बताया कि अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो फिर क्या होगा ज़्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ नहीं पाएगा एटम के साथ, तो फिर ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ये सब कुछ बातें हैं आपको पता होनी चाहिए, आप इन्हीं पर देखिए। और क्या बताएं हम, हाँ एक बात और देखो, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एक इलेक्ट्रॉन को निकालने पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट, दो इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो सेकंड आईपी, तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालोगे तो थर्ड आईपी होती है, ऐसे ही आयनाइजेशन पोटेंशियल भी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, सेकंड आयनाइजेशन पोटेंशियल और थर्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल भी होता है। जैसे बच्चों अगर हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने पर हमेशा क्या होती है एनर्जी रिलीज होती है ना, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। लेकिन अब अगर एक इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर तुमने ऐड करवा लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के बाद एटम हो गया होगा निगेटिवली चार्ज। अब अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन को ले कर आएंगे और ऐड करवाने की कोशिश करेंगे तो फिर क्या होगा, एक तो जगह भी नहीं बची होगी और निगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर यहाँ पर हमें वर्क करना पड़ेगा, अपने आप इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा, एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, है ना, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, और एनर्जी देनी पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए बाहर से एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA जो होती है वो क्या होती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जाए, सेकंड, थर्ड, उसके बाद जितनी भी होंगी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो सब क्या होती हैं, वो एंडोथर्मिक होती हैं, क्योंकि वहाँ पर जब एटम निगेटिवली चार्ज हो जाएगा तो फिर इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना शुरू कर देगा, फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या आप समझ में आया कि ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जितनी भी आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती हैं वो सब क्या होती हैं,
एंडोथर्मिक होती है, वहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए अब इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो फिर और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या ट्रेंड्स होते हैं ऊपर से नीचे जाने पर पीरियोडिक टेबल में, या लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता होगा। तो देखो, लेफ्ट से राइट जाओगे तो एटम का साइज जो होता है वो थोड़ा थोड़ा छोटा होता चला जाता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर जब एटम का साइज छोटा होता जाएगा तो इसका मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है वो न्यूक्लियस के करीब आती जाएगी, और न्यूक्लियस के करीब आती जाएगी और क्या कह सकते हो कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो फिर आउटर मोस्ट शेल के ऊपर क्या होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन को आसानी से ऐड करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलेगी और स्टेबिलिटी गेन करेगा। कहीं पर भी देखो, जहाँ पर जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है वो चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। ठीक है, फिजिक्स में या केमिस्ट्री में आप जब भी पढ़ेंगे, जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, देखो किसी भी चीज़ के पास एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा बच्चा क्या करता है, ज़्यादा खेल कूद करता है, जिसके पास एनर्जी कम है तो बैठ जाता है। तो ऐसे समझ लो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी होता है, एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही है तो वो स्टेबल ज़्यादा है, ठीक है, एनर्जी कम रिलीज हो रही है तो वो स्टेबल कम है। तो फिर यहाँ पे मैंने क्या बताया कि मैंने क्या बताया बच्चों कि लेफ्ट से राइट जाने पर, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, और साइज भी क्या होता है, साइज भी डिक्रीज होता है। इन दोनों वजहों से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करती है। और आप क्या देखेंगे, अब जैसे देखो यहीं पर देखो, अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ, लेफ्ट हैंड पर लिथियम होता है ना, या देखो सोडियम आता है, सोडियम के बाद यहाँ पर कौन आता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर, फिर यहाँ पर क्लोरीन आता है। तो सोडियम में आपने देखा कि इसका एटॉमिक नंबर 11, कॉन्फ़िगरेशन 2.8.1 होती है, और क्लोरीन की बात करें तो एटॉमिक नंबर 17, कॉन्फ़िगरेशन 2.8.7 होती है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, और ये अपनी इलेक्ट्रॉन को देने की ज़्यादा जल्दी करते हैं, ना कि एक्सेप्ट करने की। क्लोरीन जैसे एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये क्या है, इनका साइज बहुत छोटा है, ज़्यादा आसानी से एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और ये क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि सोडियम जैसे एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देना चाहेंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत कम होती है वैल्यू, और जबकि क्लोरीन जैसे आइटम इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए अब ऊपर से नीचे आए, तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तो जनरली क्या देखा गया है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ता है, और जब साइज बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के ऊपर अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने पर जल्दी ऐड नहीं होगा, और जल्दी ऐड नहीं होगा तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, डिक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, जैसे कि ऊपर से नीचे आते हैं तो फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, है ना, तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस। क्यों? क्यों? क्योंकि क्या होता है, साइज इंक्रीज कर जाता है, साइज इंक्रीज कर जाता है, और साइज इंक्रीज करने से क्या होगा, ठीक है, अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट शेल पर क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल का अट्रैक्शन ऑन द आउटर मोस्ट शेल बाय फ्रॉम न्यूक्लियस डिक्रीज हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल पर का न्यूक्लियस से अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, आ रही है मेरी बात समझ में? अब देखो इसमें एक बात है कि क्या होना चाहिए था कि ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम लोगों ने क्या देखा, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, और फ्लोरीन की क्या होती है, थोड़ी कम होती है, फिर उसके बाद फिर और कम, फिर वेरी लेस, ऐसे होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ऊपर से नीचे आने पर सब जगह पर तो क्या होती है, कम होती है, लेकिन क्लोरीन में जैसे ही आते हैं तो थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ जाती है। क्यों?
ऐसा क्यों हो रहा है? देखो क्लोरीन में क्या है, फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन की अगर बच्चों हम लोग बात करें, फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करें, तो यहाँ पर ध्यान से देखो फ्लोरीन में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9 होता है और एटॉमिक नंबर 9 में पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और उसके बाद वाले में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि क्लोरीन में 3 शेल होती हैं, 3 शेल में से 1 में 2, 1 में 8, 1 में 7, ठीक। जबकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है। अब ये छोटा सा एटम है, इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आ गए हैं पहले से ही, तो एक इलेक्ट्रॉन लाओगे तो बहुत मुश्किल से आएगा कि नहीं आएगा, जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की इसको नीड है, इलेक्ट्रॉन एफिनिट इसको स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए है। लेकिन कंपैरिजन टू द क्लोरीन इसके पास काफ़ी ज़्यादा जगह है अपनी शेल में, थर्ड शेल में, तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड होगा तो इसमें कोई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं होगा, अगल बगल वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को रिपेल नहीं करेंगे, इसमें जगह कम है, इलेक्ट्रॉन ऐड तो होगा काफ़ी आसानी से लेकिन इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो होगा, ठीक है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी तो होगा, तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा आसानी से ऐड नहीं होगा, थोड़ा कम एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन क्लोरीन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, दैट्स वाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा है। देखो मैंने फिर से बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाया जाए, उसको निगेटिव आयन बनाया जाए, तो उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसे कहते हैं, पहली बार इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाओगे तो एनर्जी रिलीज होगी, यानी ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगी, जहां पर एनर्जी रिलीज होती है इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जब दोबारा इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाओगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे, मतलब सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, थर्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये जो होती है एनर्जी देने पर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक बार अगर इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा दिया, एटम एनायन बन गया, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने पर एनर्जी तुम्हें देना पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, निगेटिव निगेटिव रिपेल करता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सोथर्मिक होती है, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ जो भी होगी वो एंडोथर्मिक होगी, क्या होगी, एंडोथर्मिक होगी। फिर मैंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, साइज ऑफ द एटम में, जितना छोटा एटम होगा उतना आसानी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा और न्यूक्लियस के साथ ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल के ऊपर काफ़ी आसानी से बाइंड अप हो जाएगा। नहीं आई मेरी बात समझ में निशान, क्या कहा कि आउटर मोस्ट शेल में अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे और अगर साइज एटम का छोटा है तो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा, तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगी, ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होगी। अगर एटम का साइज बड़ा है तो फिर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में ऐड तो होगा लेकिन क्या होगा, ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ ऐड नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने क्या बताया था, लेफ्ट से राइट जाने पर एटम का साइज डिक्रीज होता है, तो इसीलिए जो छोटे एटम्स हैं जैसे क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, उनमें इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी ज़्यादा है, जबकि सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, ये बड़े एटम हैं तो इनमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने पर एनर्जी रिलीज नहीं होगी क्योंकि उनका साइज बड़ा है, न्यूक्लियस के ऊपर आउटर मोस्ट शेल का अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब बात कर रहे थे ऊपर से नीचे आने की, जब ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता जाता है, साइज बढ़ता जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, एटम का डिग्रीज होता, आउटर मोस्ट शेल का अट्रैक्शन जो होगा न्यूक्लियस के साथ वो कम होता जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने पर क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होगी और क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन मैंने कहा था एक एक्सेप्शनल केस है, क्या एक्सेप्शनल केस है, कि क्लोरीन की एफिनिटी ज़्यादा है, फ्लोरीन की एफिनिटी कम है, जबकि फ्लोरीन ऊपर आता है, क्लोरीन नीचे आता है। इसकी वजह यह है कि फ्लोरीन भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है, क्लोरीन भी रखता है, लेकिन क्लोरीन की ज़्यादा क्यों है, फ्लोरीन की कम क्यों है, उसकी वजह है कि फ्लोरीन का साइज टू स्मॉल, फ्लोरीन का साइज क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ये क्या है, टू स्मॉल साइज है, ज़्यादा स्मॉल साइज हो गया है। अब ज़्यादा स्मॉल साइज होने की वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाते हैं तो जो इसके आसपास वाले जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो रिपल्शन क्रिएट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ ऐड नहीं होता है। जबकि क्लोरीन में काफ़ी ज़्यादा जगह है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने पर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन ऐड अप हो जाता है और क्लोरीन आयन बन जाता है, क्लोराइड आयन बन जाता है, ठीक है। तो क्या क्या बातें समझ में आई, ठीक है, तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करेगी,
इंक्रीज करेगी और ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी। बस एक एक्सेप्शन याद रखना है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो कम होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ये याद है, याद रखनी। अब दिशान नहीं आया बच्चा, जल्दी जल्दी बताओ, दिशान रिप्लाई करो बेटा। ठीक है, देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है। हाँ अब देखो, अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर बताना है, बताओ। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दिया है, अभी मैंने आप लोग को बताया कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है ना। फिर या देखो यहाँ पर यही दिखा, ऑर्डर दिखा है, ठीक है, क्लोरीन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन, लेकिन क्लोरीन की ज्यादा है और फ्लोरीन की कम है, तो इसका फर्स्ट वाला आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्लोरीन की सबसे ज्यादा है, फ्लोरीन की उससे कम है, ब्रोमीन की उससे कम है और फिर आयोडीन की कम है। देखो तो ये वाला साइन जो होता है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर देन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर देन। अब बताओ ये क्या हुआ, फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन हुआ और फिर उसके बाद ग्रेटर देन का लगा, क्लोरीन ग्रेटर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन ग्रेटर देन आयोडीन। ठीक है, तो ये वाला ऑर्डर होगा। आगे आओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होती है वो फ्लोरीन की लेस देन होती है किससे, क्लोरीन से। ठीक है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। आगे देखो, अब आते हैं एक और वैल्यू को पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो देखो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, मैं थोड़ा सा पहले ही बता चुका हूँ जब मैंने क्या पढ़ाए थे, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में आप लोग से डिस्कशन किया था। तो बच्चों ये इसके बारे में क्या जानते हो कि जब किसी कोवेलेंट कंपाउंड में है ना दो हेट्रो एटम्स ऐसे ज्वाइंट हो जाएं कि इनमें से एक एटम क्या करे, जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है कि नहीं कहलाती है, मैंने बताया था आप लोगों को। देखो जैसे कि मैंने क्या बताया था कि अगर मैंने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। हाइड्रोजन क्या है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक, अब देखो इसका अगर स्ट्रक्चर देखोगे तो क्या जानते हो कि हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और शेयर करके एक एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इनमें जो होता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हो कि मिडिल में होता है, कहाँ पर होता है, मिडिल में होता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा कि HCl की बात करें, HCl की बात करें, तो HCl में क्या होता है कि HCl में हाइड्रोजन के पास एक क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास क्या होते हैं, सात इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दोनों ने क्या किया, साझेदारी की, क्या किया, साझेदारी मतलब शेयरिंग करी, शेयरिंग में क्या हुआ, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, इसकी डबलेट कंप्लीट हो गई, क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, अब इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। लेकिन क्लोरीन है बेमान, क्लोरीन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, तो क्लोरीन के ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि ऐसे एटम्स जो क्या करें, इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी कोवेलेंट कंपाउंड्स में शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लें, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। और ये टेंडेंसी यानी शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहलाती है। ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बारे में भी देखो, ठीक है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफाइन एज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्ड सिस्टम। कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड हो है ना, कोवेलेंट बॉन्डेड सिस्टम में ही होती है ये प्रॉपर्टी। अब ये किन किन बातों पर डिपेंड करती है, ये भी वही बातों पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाली प्रॉपर्टी भी, कि इस आइटम का साइज क्या है और एटम के न्यूक्लियस के अंदर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज कितना है, मतलब एटॉमिक नंबर कितना है। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं, लेकिन प्रोटॉन जितने ज़्यादा होंगे न्यूक्लियस उतना ज़्यादा पावरफुल होगा और क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज़्यादा ताकत रखेगा। ठीक है, तो एटम छोटा होता जाएगा तो फिर क्या होता जाएगा, आउटर मोस्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियस की पकड़ मजबूत होती जाएगी और वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ज़्यादा कोशिश करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में देखा था वही वजह इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही चीज़ है कि दो बातों पर डिपेंड करती है, एक नंबर ऑफ शेल्स, एटम का साइज कितना है और एटम का न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना है,
ये दो बातों पर कौन डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिपेंड करती है। ठीक है, नहीं आ रहा है मेरी बात समझ में दिशान? अब अगर इसमें देखा जाए तो बच्चों क्या होगा कि अगर हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, लेफ्ट से राइट जाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एटम का साइज डिक्रीज होता है, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, है ना, साइज ऑफ एटम डिक्रीजेस, एटम का साइज डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज करता है ना, जैसे कि सोडियम 11 है, सोडियम के बाद मैग्नीशियम 12 हो गया, फिर एल्युमिनियम 13 हो गया, सिलिकन 14 हो गया, फॉस्फोरस 15 हो गया, सल्फर 16 हो गया, सिलिकन 17, सिलिकन 14 हो गया, फॉस्फोरस 15 हो गया, सल्फर 16 हो गया, क्लोरीन 17 हो गया। एटॉमिक साइज बढ़ता, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा और एटम कॉन्ट्रैक्ट होता जाएगा, जब एटम कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो एटम का साइज छोटा हो जाएगा, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को ज़्यादा आसानी से उसका न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर पाएगा, ज़्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट कर पाएगा तो फिर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होंगे। तो इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा, लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगी, है ना, है ना, तो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज करेगी, इंक्रीजेस। अरे बात समझ में निशान, फैजान, आमिना, चलिए और आगे देखते हैं, और आगे देखो। अब ऊपर से जब नीचे आएंगे तब क्या होगा, तो ऊपर से नीचे जब आओगे तो भैया साइज क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। अब जैसे जैसे साइज बड़ा होता जाएगा तो बच्चों फिर क्या होगा, साइज जब बड़ा होगा ऊपर से नीचे आने पर तो फिर एटम का साइज बड़ा होगा, तो एटम की जो शेल्स बढ़ेंगी, शेल्स बढ़ेंगी तो आउटर मोस्ट शेल के ऊपर न्यूक्लियर का, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, और जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो फिर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, वो कम होती जाएगी, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है, है ना, तो ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करेगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीजेस, है ना, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज करती है जब हम लोग क्या आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। क्यों, क्यों डिक्रीज करती है, क्योंकि साइज बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस शेल डिक्रीज हो जाता है। आ रही है मेरी बात समझ में, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, चलिए। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स की अगर बच्चों हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, ये भी लिख लो, ये भी पूछा जाएगा, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, है ना, ये सब आपको पता होनी चाहिए, ठीक। अच्छा, इसके अलावा और क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, उससे कम होता है ऑक्सीजन, उससे कम होता है नाइट्रोजन, उससे कम होता है क्लोरीन, ठीक है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन एंड देन क्लोरीन, ठीक है, ये सब भी आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए था। अब अगर ये बातें समझ में आ गई तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर आते हैं, जो हमें पढ़नी है, मेटैलिक और नॉन मेटैलिक करेक्टर की बात करें तो देखो, मेटैलिक और नॉन मेटैलिक करेक्टर की अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि मेटैलिक करेक्टर वो होते हैं, मेटल जनरली एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, उनकी टेंडेंसी कहते हैं ना, इतना आसानी से मेटल जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, और वो क्या होते हैं, गुड क्या कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो रहा हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन, है ना, ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी मेटल जो होते हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, सब भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था जब पहले वाले चैप्टर्स पढ़ाए हैं। अच्छा, तो यहाँ पर देखो, मेटैलिक करेक्टर को ही हम लोग इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर भी कहते हैं। अब जनरली आप लोगों ने देखा था कि यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, फिर यहाँ पर हीलियम होता है, यहाँ पर लिथियम होता है, उसके बाद यहाँ पर बोरॉन, बोरॉन के बाद यहाँ पर आ जाओगे तो बेरीलियम, और बेरीलियम के बाद बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, नियोन के बाद यहाँ पर कौन आता है, सोडियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकन, फॉस्फोरस, सल्फर,
क्लोरीन और उसके बाद एर्गन, फिर यहाँ पर आओगे तो कैल्शियम, उसके बाद कैल्शियम के बाद पोटेशियम और फिर कैल्शियम, ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम और फिर कैल्शियम, ठीक है। जितने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होते हैं, अल्कली मेटल्स यानी मेटल्स होते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे जाओगे तो कौन होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। अब यहाँ पर आओगे तो देखो एक बात और देख लो, अब लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की टेंडेंसी क्या होती है, कम होती जाती है, इलेक्ट्रॉनों को गेन करने की टेंडेंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, बहुत कम होगा, थोड़ा सा भी एनर्जी दोगे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यहाँ पर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता जाता है, आईपी क्या होती है, आईपी की वैल्यू लेफ्ट से राइट जाने पर बढ़ती जाती है, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है, है ना, लेफ्ट से राइट जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी बढ़ती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को दोगे तो बहुत आसानी से ऐड हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनों को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो दैट्स वाई हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो डिक्रीज करता है, लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, लेफ्ट से राइट जाने पर मेटेलिक करेक्टर जो होगा डिक्रीज करेगा, डिक्रीजेस, और नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस। आ रही है मेरी बात समझ में? मेटेलिक करेक्टर को हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लूजिंग प्रॉपर्टी एटम इज सेट टू बी अ मेटल। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को कोई एलिमेंट लूज करेगा उतना ही अच्छा वो क्या होता है, मेटल होता है, है ना, उतना ही अच्छा वो क्या होता है बच्चों, मेटल होता है। तो लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान हो जाता है, मेटेलिक करेक्टर इधर से जाने पर डिक्रीज हो जाता है, जबकि नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, लेफ्ट से राइट जाने पर इंक्रीज कर जाता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, नोट करिए। ठीक, अब आगे आओ, अब इसके नीचे आओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कार्बन है, कार्बन ग्रुप नंबर 14 में, यहाँ पर देखो कार्बन है, सिलिकन है, जर्मेनियम है, जर्मेनियम के बाद आपको मिलेगा आर्सेनिक, नहीं, जर्मेनियम के बाद मिलेगा टिन और उसके नीचे मिलेगा लेड, टिन और लेड, ठीक है। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होता होगा, चलिए देखिए, देखो ऊपर से नीचे जब आते हैं तो एटम का साइज जो होता है वो बड़ा होता जाता है, एटम का साइज बड़ा होता जाता है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना आसान होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना मुश्किल होता है, अभी मैं बता चुका हूँ। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है उसकी वैल्यू, मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड होगा तो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, बढ़ जाएगी, है ना, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होगा वो बहुत कम एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो कम होता जाता है ना, डिक्रीज होता जाता है, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो भी डिक्रीज होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने पर ज़्यादा एनर्जी रिलीज नहीं होती, एटम का साइज बहुत बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाना मुश्किल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता जाता है ना। इस कम शब्दों में अगर बोलें तो हम क्या बोलेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आसानी से निकल आएंगे क्योंकि साइज बड़ा है, लेकिन ऐड करवाना मुश्किल होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, इसीलिए मेटेलिक करेक्टर जो होता है वो क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, मेटेलिक इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक डिक्रीजेस, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस, देखो ठीक है। अब कैसे, अब अगर ग्रुप नंबर 14 को देखो तो कार्बन नॉन मेटल है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, उसके बाद देखो सिलिकन मेटलॉइड, जर्मेनियम मेटलॉइड, फिर उसके बाद टिन और लेड, टिन और लेड क्या है, मेटल है, तो नॉन मेटल आया, फिर मेटलॉइड आया, फिर उसके बाद मेटल आ गया। तो ग्रुप नंबर 14 में आप आसानी से देख सकते हैं कि कैसे नॉन मेटल धीरे धीरे कैसे बनते चले जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आने पर मेटल बढ़ते जा रहे हैं। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज करेगा, नॉन मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ग्रुप नंबर किसमें, आप लोग 14 में आसानी से देख लेंगे। टिन, टिन का सिंबल SN होता है, टिन का सिंबल SN होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो क्या बताया मैंने
कि अगर ग्रुप नंबर 14 में देखा जाए तो कौन होता है? कार्बन, ठीक। उसके बाद कौन होता है? सिलिकन। फिर उसके बाद कौन होता है? जर्मेनियम, ठीक, जर्मेनियम। फिर उसके नीचे आओगे तो कौन मिलेगा? टिन। फिर उसके नीचे आओगे तो मिलेगा लेड। ये क्या है? नॉन मेटल है। ये क्या है? मेटलॉइड है। और ये क्या है? नॉन मेटल, मेटल्स है। ये क्या है? मेटल्स है। तो ऊपर से नीचे आने पर मेटैलिक करैक्टर क्या हुआ? मेटैलिक करैक्टर क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। और ऊपर से नीचे आने पर हम क्या कह सकते हैं? नॉन मेटैलिक करैक्टर जो हुआ, नॉन मेटैलिक करैक्टर जो हुआ वो डिक्रीज हुआ। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए हैं, ठीक है बच्चों। आपका बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो इसी पे बेस्ड है, ठीक। देखो ये सब लिखा है, चलिए। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मेटैलिक करैक्टर डिक्रीज होता है अलॉन्ग द पीरियड, और मेटैलिक करैक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। नॉन मेटैलिक करैक्टर इंक्रीज होता है इंक्रीज होता है नॉन मेटैलिक करैक्टर पीरियड के अलॉन्ग इंक्रीज होता है, नीचे जाने पर डिक्रीज होता है, ठीक है। अब केमिकल रिएक्टिविटी, अब बताओ केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में मैंने क्या आप लोगों को बहुत अच्छे से नहीं बताया कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल। अच्छा एक बात और याद रख लो कि अभी मैंने एक पॉइंट ये बताया था, ये एक पॉइंट छूट गया, हाँ ये भी नोट कर लेते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है? इंक्रीज करती है। लेकिन जहाँ तक 17th ग्रुप है यहाँ तक तो इंक्रीज करेगी, लेकिन 18th ग्रुप में कौन है? नोबल गैस है। नोबल गैस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जीरो होती है। ये इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा पाना या क्या है? एकदम इम्पॉसिबल है। तो क्या कह सकते हो कि ग्रुप नंबर 0 से लेके 17 तक के तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। जीरो वाली की क्या होती है? मिनिमम वन से लेके ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि ग्रुप नंबर 1 यानी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो एकदम मिनिमम होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? मिनिमम होती है, ठीक। और ग्रुप नंबर 17 क्लोरीन ब्रोमीन और क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये वाला ग्रुप में क्या होती है? हाईएस्ट होती है, हाईएस्ट होती है, ठीक। लेकिन जब ग्रुप नंबर 0 पर पहुंच जाएंगे या ग्रुप नंबर 18 कह लो उसको, तो उसमें क्या हो जाती है? ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। इलेक्ट्रॉन को ऐड ही नहीं करवा सकते हैं क्योंकि वो क्या है? वो नोबल गैस ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? ये नोबल गैस ग्रुप है। नोबल गैस एलिमेंट जितने भी हैं, हीलियम, सोडियम, हीलियम, नियॉन, एर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इनमें इलेक्ट्रॉन को नहीं ऐड कर पाना आसान है, नहीं इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान है। इसीलिए आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे हाई होती है। जितना इलेक्ट्रॉन एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव होगा। और क्या कह सकते हो? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू एकदम जीरो होती है। इलेक्ट्रॉन कुछ भी कर लो, इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी, आपको पता होनी चाहिए। अब एकदम अगर यहीं पर से देखें, अगर किसकी बात करें बच्चों हम लोग केमिकल रिएक्टिविटी की, तो मैंने ये बात बताया था कि लेफ्ट में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये तुरंत इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी रखते हैं। और 17th ग्रुप में सबसे ज़्यादा क्या है? नॉन मेटेलिक ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रखते हैं। ग्रुप नंबर 18 जो है वो नोबल गैस ग्रुप है, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है वो ग्रुप जो सबसे लेफ्ट में प्रेजेंट एलिमेंट है उनकी सबसे ज़्यादा होगी। और केमिकल रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉन को गेन करने के टर्म्स में सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 17th ग्रुप की होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ से बात की जाए केमिकल रिएक्टिविटी की, तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो कहाँ पर आपको मिलेंगे? या तो ग्रुप नंबर 1 में मिलेंगे या तो ग्रुप नंबर 17 में मिलेंगे। ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और क्या जानते हैं बच्चों हम लोग इसके बारे में? और क्या जानते हैं? केमिकल रिएक्टिविटी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज होती है ना। सोडियम लिथियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, सोडियम उससे कम और पोटेशियम उससे कम, और फिर उसके नीचे आ जाओगे रुबिडियम सीजियम और कम होते जाते हैं, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आने पर रिएक्टिविटी क्या होती है? कम होती है। देख लो सोडियम पोटेशियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इनको पानी में डुबो के रखा जाता है,
केरोसिन में डिप करके रखा जाए, एयर या वाटर कॉन्टैक्ट में आएंगे तो सोडियम पोटेशियम या लिथियम जैसे एलिमेंट इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि आग पकड़ लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्लोरीन क्लोरीन है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ऊपर से नीचे आने पर केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ग्रुप वन या ग्रुप नंबर 17 में पाए जाते हैं। ग्रुप नंबर सेकंड के भी एलिमेंट जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। बीच वाले मॉडरेटली एक्टिव होते हैं, बीच वाले मॉडरेटली एक्टिव होते हैं। अब देखो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब इस चैप्टर में और कुछ बचा नहीं है। और अगर कोई एक पूछा जाए नेचर ऑफ ऑक्साइड पूछा जाए, है ना, तो नेचर ऑफ ऑक्साइड की अगर हम लोग बच्चों बात करें, एक क्वेश्चन और आता है नेचर ऑफ ऑक्साइड पर, ये भी हम देख लेते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करें तो नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है जनरली पूछा, देखो अगर लेफ्ट से राइट में जाओगे तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा Na2O, फिर उसके बाद MgO, फिर उसके बाद और इधर आते जाओगे तो फिर क्या आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऐसे मिलेगा। अब अगर यहाँ पर देखोगे तो ये सब बेसिक नेचर के होते हैं और ये सब कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। तो लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, बेसिक से एसिडिक हो जाता है, बेसिक से एसिडिक हो जाता है, ठीक है। ये भी आप लोगों को बच्चों पता होना चाहिए, ठीक। चलिए अब अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो केमिकल रिएक्टिविटी की बात करनी है मैग्नीशियम एल्यूमिनियम जिंक आयरन की, वेरियस इन द ऑर्डर। तो मैंने क्या बताया, केमिकल रिएक्टिविटी लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कहाँ होंगे, लेफ्ट में मेटल होते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, और इधर जाओगे तो फिर नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होंगे। लेकिन यहाँ पर देखो सब मेटल्स हैं, तो मेटल्स में अगर बात की जाए तो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम कहाँ पर आएगा, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, फिर उससे कम एल्यूमिनियम होगा, इसका एटॉमिक नंबर 12 है, इसका नंबर 13 है, फिर आयरन आएगा, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, उसके बाद फिर कौन आ जाएगा, जिंक आ जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑर्डर जो होगा, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम Fe, तो इसमें करेक्ट ऑर्डर मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम, ठीक है। ये वाला होगा, चलो देखते हैं ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में करा देंगे। चलो अब इसमें से सबसे ज़्यादा मैक्सिमम और मिनिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू की बात करनी है, ठीक है। तो अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बच्चों अगर हम लोग बात करें तो किसकी होगी, क्लोरीन की होगी, और मिनिमम की बात करें तो सीजियम की होगी, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, सीजियम का साइज बहुत बड़ा है तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करवा पाना मुश्किल है, मेटल है वैसे भी, क्लोरीन नॉन मेटल है और इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो डी आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, बताओ एलिमेंट 20 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या 2.8.8.2 नहीं हो जाएगी, यानी सी वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। और आगे देखो, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दिया है कि XCl2 एक आयनिक क्लोराइड है, एलिमेंट X बिलोंग करेगा किस ग्रुप में और किसके सिमिलर टू होगा, ठीक है, किसके सिमिलर होगा। अगर XCl2 की बात करें तो XCl2 के बारे में अगर आप लोग अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा कि जब वैलेंसी एक्सचेंज करके, चार्ज को एक्सचेंज करके इसका आयन बनाया गया होगा तो X++ और Cl- आयन बनेगा, ठीक है, वैलेंसी एक्सचेंज होती है। देखो XCl2 का मतलब क्या हुआ कि X के नीचे 1 है, Cl2 के नीचे, Cl के नीचे 2 है, तो जब इनको रिप्लेस करोगे तो मेटल के ऊपर +1 चार्ज +2 चार्ज आ जाएगा, ये वाला यहाँ चला जाएगा और ये -1 यहाँ आ जाएगा। तो X++ चार्ज है, यानी +2 चार्ज किस पर आता है, किस पर आएगा, जो ग्रुप 2 के एलिमेंट होंगे, और ग्रुप 2 के एलिमेंट में किसके रिजेंबलेंस होती है, मैग्नीशियम की, क्योंकि मैग्नीशियम भी क्या होता है, +2 चार्ज बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके, ठीक, रिजेंबल किसके करेगा, मैग्नीशियम के। एक मेटल है जिसका ऑक्साइड का फॉर्मूला MO है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर -- चार्ज होता है और मेटल के ऊपर भी अगर डबल पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये दोनों कंबाइन होंगे, तो फिर इनके नीचे M2O2 बनेगा, सेम है तो कैंसिल आउट कर दो, तो ये क्या बन गया, MO, यानी M के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज है, ये हमें पता चल गया है। फिर ये बिलोंग करता है थर्ड पीरियड में, अब अगर थर्ड पीरियड में बिलोंग करता है तो मुझे क्या पता, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, फिर 8 आ जाएगा और उसके बाद फिर 2 आ जाएगा, फिर उसके बाद 2 आएगा, तभी तो ये क्या बनेगा, थर्ड पीरियड में आ पाएगा। फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट होते हैं, फिर सेकंड में 2, उसके बाद थर्ड पीरियड में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो ये सेकंड ग्रुप में आया होगा, ठीक है।
तो क्या बता रहे हैं कि जब अगर डबल पॉजिटिव चार्ज है मतलब वैलेंसी टू है, वैलेंसी टू मतलब सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और ये थर्ड पीरियड का है। सेकंड ग्रुप थर्ड पीरियड में कौन सा होता है, मैग्नीशियम होता है। ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर डबल टू चार्ज आया है मतलब वैलेंसी टू है, वैलेंसी टू का मतलब हो गया ये ग्रुप टू का एलिमेंट, ग्रुप टू का एलिमेंट पीरियड थर्ड का एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कॉन्फिगरेशन होती है 2.8.2 और एटॉमिक नंबर होता है 12, तो यानी ये हो जाएगा ये वाला। फिर देखो मेटलॉइड इसमें से कौन सा है, टेलेरियम है, बताया था मैंने। अब बताओ इसमें से एलिमेंट हैज ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड शेल ऑफ इस फर्स्ट शेल, ऐसे कुछ बताया ना मैंने कि किसी एटम के फर्स्ट शेल में हमेशा दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसकी सेकेंड शेल में फर्स्ट शेल के डबल इलेक्ट्रॉन है मतलब चार इलेक्ट्रॉन है, और अगर चार इलेक्ट्रॉन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हो गए, छः, यानी एटॉमिक नंबर हो गया छः। एटॉमिक नंबर छः होता है कार्बन का, तो ये एलिमेंट रहा होगा कार्बन, ठीक है। अब बताओ इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसके, सोडियम के, सोडियम के आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब 11 इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे, तो 11 इलेक्ट्रॉन अगर देखे जाए तो बताओ इसमें किसके दिख रहे होंगे बच्चों, Na प्लस होना चाहिए था यहाँ पे, Na प्लस होगा तो फिर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। Na प्लस के फिर O2 माइनस होता है। एक और देखो अच्छा तो क्वेश्चन आया है कि एक एलिमेंट है जिसका फॉर्मूला XO है, XO है आया वो क्वेश्चन है, XO इसका फॉर्मूला है और क्या पूछ रहे हैं कि what will be the compound formed when this X react with chlorine। अब बताओ अगर XO उसका केमिकल फॉर्मूला है तो XO का मतलब क्या हो गया, उसके ऊपर डबल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर डबल नेगेटिव होता है, ये तो हमको पता है। अब X के ऊपर डबल पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर माइनस वन चार्ज है, ये हो गया दो, ये हो गया वन, क्रिस क्रॉस मेथड से क्या ये HCl2 नहीं बनेगा, ये जो है अगर नहीं आ रहा होगा तो अभी नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग शुरू करेंगे 9th का उसमें सब आ जाएगा आप लोगों को अच्छे से। मेटेलिक प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या होती है, इंक्रीज करती है लेफ्ट से राइट जाने पर, इंक्रीज करती है टॉप से बॉटम जाने पर, तो ये हमको पता है कि टॉप से बॉटम जाने पर मेटेलिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज करती है, देखो आया वो क्वेश्चन है। फिर देखो एक और क्वेश्चन है कि पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इंक्रीज क्या इंडिकेट करती है, केमिकल रिएक्टिविटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोशन, एटॉमिक नंबर, ऑल ऑफ द अबव। तो हमको क्या पता है कि किसी एलिमेंट की जो पोजीशन होती है वो उसके हाँ एटॉमिक नंबर को भी रिप्रेजेंट करेगी, केमिकल एक्टिविटी, सिर्फ सब कुछ, ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, डी, डी करेक्ट है। सिलिकन जो है वो सराउंड करता है बाय एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर 6, 13, 15 और 32 इन द पीरियोडिक टेबल। द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एटॉमिक नंबर 6 एंड 32 आर सिमिलर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है कि 14 के ऊपर जो है 6 होता है, ठीक, और 14 के यहाँ पर 13 होगा, यहाँ पर 15 होगा और यहाँ पर 32 होगा, ये कुछ ऐसी चीज़ बताई गई है क्वेश्चन में। तो बताओ ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं, तो प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट 6 और 32 जो होंगी वो सिलिकन के जैसी होंगी कि नहीं होंगी, तो इसका ये वाला आंसर ए वाला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। 13 और 15 की प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी क्योंकि ये अलग ग्रुप के एलिमेंट है, ये ग्रुप नंबर 14 है, ये ग्रुप नंबर 13 है और ये ग्रुप नंबर 15 है, तो ग्रुप नंबर 14 में जितने भी एलिमेंट आएंगे उन सबका प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, तो क्या बोला जाएगा कि 6 वाले की और 32 वाले की प्रॉपर्टी ग्रुप नंबर सिलिकन 14 के एकदम सिमिलर होगी, ठीक है। तो इसका ए फर्स्ट आंसर हो जाएगा। लॉ ऑफ ऑक्टेव ये सब पुराने क्वेश्चन है, आप लोग को मैं करवा चुका हूँ। एटॉमिक नंबर आयोडीन का जो होता है वो 53 होता है, ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए इतना ही था, अब इस चैप्टर को मैं होमवर्क में जितने भी क्वेश्चन है भेज दूंगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। Thank you. That's all for today.